दादाजी एन प्यारी कहानी। एक बार की बात है, एक दयालु और प्यार करने वाले दादाजी थे जो ग्रामीण इलाकों में एक आरामदायक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। उन्हें अपना दिन अपने बगीचे की देखभाल करने, किताबें पढ़ने और अपनी रसोई में स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में बिताना अच्छा लगता था। एक दोपहर की धूप में जब वो जंगल में टहल रहा था, उसकी मुलाकात एक छोटे प्यारे छोटे पिल्ले से हुई। छोटा पिल्ला अपनी माँ से अलग हो गया था और बिल्कुल अकेला था। बिना किसी हिचकिचाहट के दादाजी ने छोटे पिल्ले को उठाया और वापस अपनी कुटिया में ले गए। उसने पिल्ला को गर्म स्नान, कुछ भोजन और सोने के लिए एक आरामदायक बिस्तर दिया। उस दिन से दादाजी और छोटा पिल्ला अविभाज्य थे। वे साथ साथ चलते थे, खेल खेलते थे और दावतें साझा करते थे। दादाजी ने बिल्ली को कुछ तरकीबें भी सिखाई, जैसे कि कैसे पलटकर गेंद लाना है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, छोटा पिल्ला बड़ा और मजबूत होता गया। लेकिन वो कितना भी बड़ा क्यों न हो गया हो, फिर भी वह शाम को अपने दादाजी के साथ सोफे पर आलिंगन करना पसंद करता था। एक दिन जब दादाजी को मौसम की थोड़ी परेशानी महसूस हो रही थी, तो छोटे पिल्ले को पता था कि उसे क्या करना है। वो अपने दादाजी के पास झुक गया और अपना हाथ चाटने लगा, मानो कह रहा हो, दादाजी चिंता न करें, अब मैं आपकी देखभाल करने के लिए यहाँ हूँ। और इसके साथ ही दादाजी को पता चल गया था कि उन्हें अपने प्यारे और प्यारे छोटे पिल्ले में एक आजीवन दोस्त मिल गया है।